अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो तमिलनाडु सरकार है इसने क्या फैसला किया कि भाई जैसे कि चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई है या फिर तिरुप्पुर है, ये क्या है कि बड़े बड़े शहर हैं तमिलनाडु के, तो इन शहरों में तमिलनाडु सरकार ने एक तरीके से फैसला लिया, ऑर्डर पास किया कि इन शहरों में ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ना, इस लॉकडाउन को और तेज़ बनाया जाएगा और इंटेंसीफाई इंटेंसीफाई कर देने का मतलब होता है किसी चीज़ को और गहन कर देना। तो इस फैसले से, इस घोषणा से क्या थे कि लोग बाग जो है डर गए, घबराहट में आ गए, पैनिक, इस पैनिक का मतलब होता है घबराहट, तो लोग बाग जो है घबराहट में आ गए। लोग बागों को लगा कि लॉकडाउन और ज़्यादा सख्त होने जा रहा है, तो लोग बागों ने सोचा कि भाई सामान जो है और ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, तो जैसे कि जो ग्रॉसरी स्टोर हैं, किराने की दुकान है, इन पर लोगों की और ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। तो कुल मिला के ये जो लॉकडाउन को तेज़ करने की कोशिश क्यों की गई थी, ताकि एक तरीके से जो है कोविड-19 कम से कम फैले, लेकिन इसका उल्टा परिणाम देखने को मिला हमें। लोग बागों में घबराहट देखने को मिली और लोग बाग जो है भीड़ के रूप में इकट्ठा होने लगे। तो उसी के लिए एडिटोरियल ने टाइटल दिया है कि पैंडेमिक एंड पैनिक, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी और घबराहट, तो इन दोनों के संबंध के की चर्चा करते हुए एडिटोरियल में बात की गई है तमिलनाडु के संबंध में। वाइल एंश्योरिंग डिस्टेंसिंग, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, गवर्नमेंट शुड नॉट ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को सक्रिय कर देना, किसी चीज़ का कारण बन जाना है ना, उसको बोलते हैं ट्रिगर। क्राउडिंग थ्रू एब्रप्ट चेंजेस, चेंज का मतलब बदलाव, और एब्रप्ट चेंजेस का मतलब अचानक जो बदलाव किए जाते हैं ना उनको बोलेंगे एब्रप्ट चेंजेस, मतलब अचानक किए जाने वाले बदलाव। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है इन दो लाइन्स में कि एक तरीके से वाइल इंश्योरिंग डिस्टेंसिंग, कि भाई डिस्टेंस को ठीक है पैंडेमिक के दौर में ज़रूरी है कि लोग बागों में डिस्टेंस बनी रहे, लोग बागों में दूरी बनी रहे, लेकिन इस दूरी को सुनिश्चित करने के दौरान सरकार को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार जो अचानक से बदलाव करती है ना, उन अचानक से बदलावों के चक्कर में जो है एक तरीके से भीड़ इकट्ठा ना होने लग जाए, है ना, भीड़ इकट्ठा ना होने लग जाए, क्राउडिंग थ्रू एब्रप्ट चेंजेस, कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जिन उपायों को अपनाती है उन उपायों के द्वारा सक्रिय हो जाए। क्या सक्रिय हो जाए? भीड़ का इकट्ठा होना। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं। द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स, तमिलनाडु की सरकार का ऑर्डर, क्या ऑर्डर दिया उसने? इंटेंसीफाइंग, इंटेंसीफाई का करने का मतलब गहन कर देना, और ज़्यादा सख्त कर देना, और ज़्यादा तेज कर देना। इंटेंसीफाइंग द लॉकडाउन इन चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुप्पुर एंड सलेम, ये बड़े बड़े शहर हैं तमिलनाडु के। फ्रॉम अप्रैल 26 ब्रीफली कन्वल्स्ड। अभी जो कन्वल्स शब्द लिखा हुआ है ना, कन्वल्स, CONVUL, यहाँ पे इस कन्वल्स का मतलब है सामान्य गतिविधि को एक तरीके से भंग कर देना, या सामान्य गतिविधि में एक तरीके से बाधा डाल देना, उसको कहा जाता है कन्वल्स्ड। दीज सिटीज़ विथ पैनिक, तो तमिलनाडु की सरकार ने ये जो डिसीजन लिया इन शहरों में लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्त करने का 26 अप्रैल को, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हमें ना, ब्रीफली कुछ समय के लिए हमें क्या देखने को मिला कि पूरा की पूरे की पूरे जो शहर है ना, वे शहर मतलब उन शहरों में बाधाएं आ गई, वो शहर जो है उनकी जो सामान्य व्यवस्था थी वो भंग हो गई, और लोग बागों में जो है घबराहट देखने को मिली है ना, पैनिक। थ्रेटनिंग टू अनडू द गेंस, थ्रेटनिंग का मतलब है भयभीत करते हुए, ये खतरा नज़र आया हमें तमिलनाडु में, कौन सा खतरा नज़र आया? टू अनडू द गेंस, गेंस का मतलब है जो अब तक जो फायदे हमने प्राप्त किए ना, लाभ जो हमने उठाए, अचीव्ड। फ्रॉम अवॉइडिंग क्राउडिंग, कि भाई हमने लॉकडाउन के द्वारा क्या किया, ये जो क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब लोगों का भीड़ का एक जगह इकट्ठा हो जाना, तो भीड़ को रोकते हुए, अवॉइड मतलब बचना, कि अब तक हमने लॉकडाउन के माध्यम से भीड़ इकट्ठा ना हो, भीड़ को कम करने के लिए अब तक जो प्रयास किए ना, वो प्रयास वापस खत्म होते हुए नजर आए, उन पे संकट नजर आया। अनडू, डू का मतलब होता है जो आपने किया, अनडू का मतलब है किए को अनकिया कर देना, यानी कि अब तक जो फ़ायदा लॉकडाउन बना के हमने, जो अचीवमेंट हमने प्राप्त की ना लॉकडाउन के माध्यम से, इस कोविड-19 को रोकने में जो सफलता हमने हासिल की है, वो सफलता पूरी की पूरी खोती हुई नजर आई, मतलब उल्टा हो गया काम। आगे देखते हैं। मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द पब्लिक फॉर ए कैलिब्रेटेड एग्जिट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हम प्रयास क्या कर रहे थे अब तक, हम प्रयास कर रहे थे कि जो है किसी तरह से धीरे धीरे स्थिति काबू में आ जाए, और फिर हम धीरे धीरे से क्या करें, एक तरीके से इस लॉकडाउन को हटाएं।
मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि क्राउडिंग से बच रहे थे, लोग बाग जो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए उससे बच रहे थे, हम जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए थे, लोग बाग जो एक दूसरे से दूरी बना बना के रखें। इसके अलावा हम प्रिपेयर, हम इस बात के लिए तैयार हो रहे थे, किस बात के लिए, प्रिपेयरिंग द पब्लिक, हम पूरी की पूरी पब्लिक को तैयार कर रहे थे फॉर ए कैलिब्रेटेड एग्जिट। ये देखो जो शब्द है ना कैलिब्रेट, इसको ध्यान देना, CALIBRATE, कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है बिल्कुल नपे तुले तरीके से, बिल्कुल देख कर कि भाई कैसी स्थिति है, उस स्थिति को देख के जब आप कदम उठाते हो ना, तो उसको बोलते हैं कि भाई आपका जो कदम है वो बड़ा ही कैलिब्रेटेड कदम है, परिस्थिति को सोच समझ के कदम उठाना। तो हम क्या कर रहे थे कि देख रहे थे, मतलब परिस्थिति को देखते हुए, और परिस्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को हटाने की कोशिश कर रहे थे, कब से एग्जिट करना चाह रहे थे हम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, कि भाई जो प्रतिबंध हमने लगा रखे। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो हम प्राप्त कर रहे थे, तो ये प्राप्त की हुई चीज़ें खोती हुई नज़र आई। कब, ये जो ऑर्डर हमें तमिलनाडु सरकार ने निकाला ना, उसके दौरान जो है हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि भाई जो ये भी जो भी फायदे हमने क्राउडिंग के द्वारा, अवॉइडिंग क्राउडिंग के द्वारा, या फिर मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा, इनके द्वारा जो हमने फायदे प्राप्त किए ना, इन फायदों पर संकट नजर आया। आगे देखते हैं। इफ द आइडिया वाज, कि भाई तमिलनाडु सरकार ने किया क्यों ऐसा, कि भाई अगर सरकार का ऐसा विचार था, ऐसा प्लान था सरकार का, इफ द आइडिया वाज टू हाल्ट, हाल्ट का मतलब होता है रोकना, द राइजिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई सरकार का अगर ये प्लान था, कि सरकार ने ये सोचा कि भाई सरकार जो है क्या करना चाहती थी, कि रोकना चाहती थी किस चीज़ को, राइजिंग, राइजिंग का मतलब है उठती हुई, बढ़ती हुई, राइजिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई अगर सरकार ने ये सोचा कि सरकार जो है COVID-19 के जो केसेस जो बढ़ते जा रहे थे, इनको रोकने के लिए अगर सरकार ने ये लॉकडाउन उठाया, तब तो ये मानो कि फिर सरकार का ये जो घोषणा थी ना, सरकार का ये जो अनाउंसमेंट था ऑफ ए कंप्लीट लॉकडाउन, पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का, वाज काउंटर प्रोडक्टिव। तब तो ये मानो कि भाई सरकार का ये जो फैसला था ये उल्टा साबित हुआ। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रतिकूल, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, भाई जिस फल के लिए आपने कोशिश की थी ना, उस फल का उल्टा फल मिल गया। एक तरीके से ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर सरकार ने ये सोच के कंप्लीट लॉकडाउन लगाया कि भाई इसके माध्यम से इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगी, तो ये मानो ये जो फैसला था ना सरकार का, ये उल्टा साबित हुआ। अब देखो एक कॉमा लगा के क्या लिखा हुआ, इसको देख लेते हैं। इफ द आइडिया वाज टू हाल्ट द राइजिंग, हाल्ट द राइजिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई सरकार का अगर ये विचार था कि सरकार जो है इन्फेक्शन की बढ़ती हुई रेट को रोकना चाहती थी। अब इस इन्फेक्शन के बारे में कहा गया है विच क्यूमुलेटिवली, अभी जो शब्द आया ना क्यूमुलेटिव, या इस क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ते हुए, है ना, विच क्यूमुलेटिवली टच्ड, कि भाई ये जो इन्फेक्शन की रेट है, कोरोना वायरस के संक्रमित होने की जो रेट है, इसने बढ़ते हुए छू लिया, किसको छू लिया, टच 1821 ऑन अप्रैल 25, 25 अप्रैल को हमें क्या देखने को मिला, ये आंकड़ा 1821 हो गया। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सरकार ने अगर ये सोच के इस पर जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगाया था कि एक तरीके से इसको रोक लेंगे हम, कंट्रोल कर लेंगे, तो इसका उल्टा परिणाम देखने को मिला हमें। आगे देखते हैं क्या क्या उल्टे परिणाम देखने को मिले। थाउजेंड्स क्राउडेड ग्रोसरी स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर मतलब ये जो किराना की दुकानें होती हैं, कि हजारों की तादाद में भीड़ जो है किरानों की दुकानों पर इकट्ठी हो गई, ये जो सब्जियों की दुकानें हैं, वेजिटेबल शॉप्स है, वहाँ पे लोग बाग इकट्ठे हो गए, एंड पेट्रोल पंप्स पे लोग बाग इकट्ठे हो गए, विद मैनी इग्नोरिंग सेफ्टी नॉर्म, काफ़ी सारे जो लोग थे वे उपेक्षा करते हुए नजर आए। इग्नोर मतलब ध्यान न देना, उपेक्षा करना, सेफ्टी नॉर्म, कि भाई COVID-19 के चलते हमने ये जो सुरक्षा के जो प्रावधान बना रखे हैं ना, उन प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए नजर आए लोग बाग, है ना, कि भाई किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, कोई धक्का मुक्की कर रहा है, लोग बाग इकट्ठे हो गए भीड़ भाड़ में, ये सारा नज़ारा हमें देखने को मिला। एंग्जाइटी मतलब तनाव, चिंता, एंग्जाइटी ओवर, किस बात को लेकर चिंता हमें देखने को मिली, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, टू एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स यानी बहुत ही ज़रूरी सामान, पर्टिकुलरली अमंग दोज हु डू नॉट स्टोर आर्टिकल्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मतलब ऐसे लोगों के बीच में चिंता देखने को मिली, भाई ऐसे लोग चाह रहे थे कि हमारी पहुँच जो है, हम जो है ये जो ज़रूरी सामान है ना, इन ज़रूरी सामानों को पालें, पर्टिकुलरली खास करके उन लोगों के बीच में हु डू नॉट स्टोर आर्टिकल्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स, कि भाई खास करके वे लोग जो कि सामानों को, यहाँ पे आर्टिकल का मतलब है सामान, खासकर ऐसे लोग जो कि सामानों को लंबे समय तक जो है स्टोर करके नहीं रखते, उनके बीच में बड़ी घबराहट देखने को मिली, बड़ी चिंता देखने को मिली, उन्हें लगा कि जो है सामान खरीद लेना चाहिए, ट्रिगर्ड पैनिक बाइंग, ट्रिगर्ड का मतलब है सक्रिय कर देना, कारण होना। तो ऐसे लोग जो कि लंबे समय तक
सामान खरीद के नहीं रखते, उन लोगों में बड़ी घबराहट देखने को मिला, बड़ा पैनिक देखने को मिला उनमें, तो खरीदारी करने का जो है ना वे सक्रिय हो गए, किस चीज़ के लिए, खरीदारी करने के लिए, उनमें घबराहट बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ये एडिटोर यहाँ तक कहना चाह रहा है, कन्फ्यूज़न ऑल्सो मार्क्ड, कन्फ्यूज़न मतलब और भी ज़्यादा भ्रम की स्थिति बढ़ गई, किस चीज़ से, मार्क्ड का मतलब चिन्हित करना किसी चीज़ को, मार्क्ड द इश्यू ऑफ न्यू पासेस, पास तो जानते हैं ना, जैसे बस के कोई पास बनते हैं ना, पास का मतलब है भाई आपको अलाउ किया जाता है इस चीज़ के लिए ना, तो कन्फ्यूज़न ऑल्सो मार्क द इश्यू ऑफ न्यू पासेस फॉर डिलीवरी एजेंट्स इन प्लेसेस सच एज मदुरई। अब देखो क्या हुआ था कि भाई जो डिलीवरी एजेंट है ना, मतलब जो सामानों की डिलीवरी करते हैं, तो अभी हाल ही में क्या किया गया, उनके लिए नए पास बनाए गए, पास बनाए गए मतलब भाई उनको पुलिस नहीं रोक सकती, उनके पास पास थे कि हाँ भाई ये डिलीवरी एजेंट्स हैं, तो अभी हाल ही में नए डिलीवरी एजेंट्स के लिए नए पास भी इशू किए गए, तो और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ गई, मतलब कन्फ्यूजन हो गया कि भाई ये जो भीड़ का व्यक्ति है, ये व्यक्ति सामान खरीदने निकला है या फिर ये डिलीवरी एजेंट है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन देखने को मिला हमें ना। अट्रैक्टिंग मैसिव क्राउड्स, इसके माध्यम से भी जो है क्या हुआ, अट्रैक्ट किया इसने भी, किस चीज़ को आकर्षित किया, मैसिव का मतलब होता है विशाल, इसके माध्यम से भी जो है भीड़ भाड़ और ज़्यादा बढ़ गई है ना, कि भीड़ जो है और ज़्यादा बढ़ गई इसके माध्यम से भी, कि भाई एक तो पब्लिक की भीड़ है जो कि ग्रोसरी स्टोर्स पे या वेजिटेबल स्टोर्स पे जा रही है, इसके अलावा दूसरी भीड़ किन लोगों की है, दूसरी भीड़ है इन लोगों की, कौन से लोग, ये जो डिलीवरी बॉय है ना, इनके लिए जो नए पास इशू किए गए अभी हाल ही में, उनके द्वारा भी जो है और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। आगे देखते हैं कि सच क्योटिक, अभी जो शब्द है ना क्योटिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्कुल अस्त व्यस्त, बिल्कुल अराजक होना चीज़ों का, अराजकता की जो स्थिति होती है ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है, उसको बोलते हैं क्योटिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा मामला। सच क्योटिक इवेंट्स आर एन इन्विटेशन टू डिजास्टर, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये एक आमंत्रण है आपदा को, डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है एक आपदा, कि भाई इस तरह की ये जो घटनाएं हैं, ये एक बड़ी भयानक आपदा को निमंत्रण है। सिंस, क्यों, द डेंजरस वायरस इज ऑल्सो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो खतरनाक कोरोना वायरस है इज ऑल्सो हाईली कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस का मतलब है संक्रामक, कि भाई ये जो वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से फैलता है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से फैलने वाला ये वायरस है, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से आपदा को न्योता देने के समान है। चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पालानी स्वामी, क्या किया इन्होंने, चीफ मिनिस्टर एडप्पाडी के पालानी स्वामी मस्ट वरी, कि चीफ मिनिस्टर जो हैं तमिलनाडु के, इनको चिंता करनी चाहिए, किस बात को लेकर, दैट द गवर्नमेंट्स कमेंडेबल एफर्ट्स, कि सरकार के जो प्रशंसनीय प्रयास हैं, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, कि भाई सरकार ने अब तक जो बड़े ही प्रशंसनीय प्रयास किए हैं ना COVID-19 को रोकने में, वो कहीं व्यर्थ न चले जाएँ, कि दैट द गवर्नमेंट्स कमेंडेबल एफर्ट्स टू मैनेज द पेंडेमिक, कि भाई सरकार ने अब तक इस पेंडेमिक को, इस वैश्विक महामारी को प्रबंध करने के या रोकने के जो भी उपाय किए हैं, जो भी एफर्ट्स किए हैं, वाइल रेजिंग हेल्थ कैपेसिटी, क्या प्रयास किए गए हैं, रेसिंग मतलब उठाना, रेज का मतलब होता है उठाना किस चीज़ को, कि भाई हेल्थ सिस्टम की हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है, उसकी क्षमता को उठाने के जो प्रयास तमिलनाडु सरकार ने किए हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, हैव सफर्ड ए जोल्ट, हैव सफर्ड ए जोल्ट, जोल्ट का मतलब है धक्का लगना, तो इस तरह के जो प्रयास है ना, जो तमिलनाडु सरकार ने इस COVID-19 को रोकने के किए हैं, यानी कि क्या हमारे स्वास्थ्य सिस्ट जो स्वास्थ्य तंत्र है, उस स्वास्थ्य सिस्टम को उठाने के लिए जो प्रयास किए, तो स्वास्थ्य तंत्र को झटका लगा है इसके माध्यम से, हैव सफर्ड का ए जोल्ट का मतलब स्वास्थ्य स्वास्थ्य सिस्टम को एक झटका लगा है इस तरह के कामों से, पब्लिक के कामों से। तमिलनाडुज हार्ड वॉन गेंस, कि तमिलनाडु ने बड़े ही मुश्किल तरीके से जो कुछ प्राप्त किया है ना इस लॉकडाउन की अवधि में, फ्रॉम क्वारंटीन ऑफ ट्रेवल्स, देखो तमिलनाडु ने क्या क्या प्रयास किए, क्वारंटीन का मतलब होता है भाई कोई व्यक्ति है, हमें लगता है कि ये व्यक्ति संक्रमित हो सकता है किसी वायरस से, तो उस व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अलग रख देना, उस व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए अकेलेपन में रख देना, एकांत में रख देना, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। तो क्या क्या प्रयास किए हैं तमिलनाडु सरकार ने, कि भाई जैसे क्वारंटीन ऑफ ट्रेवलर्स, कि भाई जो भी यात्री हैं उनको क्वारंटीन के लिए रख देना है ना, थोड़े समय के लिए उनको अलग कर देना, इसके अलावा सिस्टमेटिक स्क्रीनिंग, बिल्कुल एकदम एकदम क्या कहते हैं, बिल्कुल तरीके से जो है लोगों का परीक्षण करना है ना, एंड मॉनिटरिंग और निगरानी करना ऑफ इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क, कि भाई जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर की खतरा है, रिस्क है कोरोना वायरस का, उनकी जो है बिल्कुल अच्छी ठीक तरह से निगरानी करना। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोई व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित था, उस व्यक्ति के संपर्क में कौन कौन लोग आए है ना, तो उसके जो भी कॉन्टैक्ट में आए उनका पता लगाना, ट्रेस का मतलब है पता लगाना। एंड कम्युनिटी सर्वेलेंस
और कम्युनिटी सर्वेलेंस का मतलब है कि वो भाई पूरा की पूरा जो समुदाय है, पूरा की पूरा जो समाज है, उसकी निगरानी करना, उसकी चौकसी करना। सर्वेलेंस का मतलब निगरानी करना, चौकसी करना। तो ये सारे जो उपाय हमने किए ना तमिलनाडु सरकार ने, और बड़ी मुश्किल से कुछ सफलता पाई, तो इन सारे के सारे उपायों में हमें क्या देखने को मिला? फेस एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। ये सारे के सारे उपाय जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी आशा नहीं की गई थी, अप्रत्याशित, है ना, चैलेंज यानी चुनौती। तो हमारे सामने जो है एक तरीके से जो कुछ तमिलनाडु ने प्राप्त किया है ना इन उपायों के माध्यम से, तो एक नई चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है, खास करके तमिलनाडु के सामने। आगे देखते हैं। ऑल दो इट्स फॉल आउट, यद्यपि हमें क्या देखने को मिला? यद्यपि इट्स फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है नतीजा, या फिर किसी घटना के प्रतिकूल परिणाम, उनको हम बोलते हैं फॉल आउट। तो ये जो कुछ तमिलनाडु में हुआ कि भाई लोग बाग जो है अचानक से पागल हो गए, कुछ देर के लिए अचानक से जो है भीड़ भाड़ जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली तमिलनाडु में, तो ऑल दो इट्स फॉल आउट विल बी नोन इन द डेज अहेड, कि अब ठीक है ये थोड़ी देर के लिए जो हमें कुछ देखने को मिला कि लोग बागों की भीड़ हुई, तो अब हो सकता है वायरस फैल गया हो, तो इसके नतीजे तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेंगे। ऑल्सो इट्स फॉल आउट विल बी नोन, इसके नतीजे जो हैं जाने जाएंगे, पता चलेंगे, इन द डेज अहेड, आगे आने वाले जो दिन है ना उन दिनों में हमें पता चलेगा कि ये जो कुछ हुआ इसके क्या नतीजे देखने को मिले। द क्राउडिंग एपिसोड, लेकिन ये जो क्राउडिंग एपिसोड है यानी कि लोगों का भीड़ के रूप में इकट्ठे होने का ये जो एपिसोड है, कुड पास ऑफ, ये जो शब्द आया ना पास ऑफ, इस पास ऑफ का मतलब है गुजरना, गुजर जाना किसी चीज़ का। तो ये जो घटना हुई तमिलनाडु में ये गुजर सकती है, एज एन एबरेशन, इस शब्द को देखना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी पूछते हैं इसे, एबरेशन। इस एबरेशन शब्द का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए अपने मार्ग से भटक जाना, है ना, थोड़ी देर के लिए अपने मार्ग से विचलित हो जाना, है ना, उसको बोलते हैं एबरेशन। इफ द फोकस रिटर्न्स टू रेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कुशलता। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, घटना तो बहुत ही बुरी हुई, लेकिन इस घटना को जो है ना एक तरीके से गुजर सकते हैं इस घटना से हम, किस तरह से, कि ऐसा मान के गुजर सकते हैं कि भाई नॉर्मल से थोड़ा सा डेविएट हो गए थे हम। एबरेशन का मतलब है डेविएट हो जाना, अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाना। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि यदि हम हमारा ध्यान को दोबारा से जो है केंद्रित कर लेते हैं किस चीज़ पर, रेज का मतलब है उठाना, कि हम हमारी प्रशासनिक क्षमताओं में दोबारा से अगर सुधार ले आते हैं तो ये जो क्राउडिंग एपिसोड है ये इसको भुलाया जा सकता है, ये क्राउडिंग एपिसोड जो है गुजर सकता है। भाई ऐसा मान लेंगे कि नहीं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, फिर वापस जो है हम अपने हमारे जो है एक तरीके से लौट आए, मतलब हमने संभाल लिया परिस्थिति को। हो जाता है ना भाई कभी मामला तो ठीक चल रहा है लेकिन एबरेशन हो गया, एबरेशन का मतलब है भाई थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो इस एपिसोड को इस तरह से भुलाया जा सकता है कि भाई थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो ये एपिसोड इस तरह से गुजर सकता है। कब? जब सरकार जो है दोबारा से अपनी क्षमताओं पर लौट आए और पूरे जो है प्रयास जो है मुस्तैदी के साथ किए जाएँ, पूरा की पूरा फोकस हम लौटा लें। दिस शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि फोकस को दोबारा से केंद्रित करना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? सिंस, चूँकि द गवर्नमेंट हैज़ अ वाइड लिस्ट ऑफ परमिटेड एक्टिविटी, क्योंकि सरकार के पास परमिटेड एक्टिविटी का मतलब है कि भाई लॉकडाउन में कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जो कि परमिटेड है, जो कि अलाउ हैं, तो सरकार के पास उसकी वाइट लिस्ट है। वाइट लिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसे लिस्ट जिसमें यह बताया जाता है कि भाई कौन कौन से काम अलाउ हैं, कौन कौन से काम एक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन से काम एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सरकार के पास पूरी की पूरी लिस्ट है। बेरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के सिवा, इमरजेंसी मतलब आपातकाल, आपातकालीन परिस्थितियों के अलावा, बेरिंग मतलब के को छोड़कर के अलावा, कि भाई एक तो लिस्ट है हमारे पास, सरकार के पास लिस्ट है कि भाई लॉकडाउन में क्या क्या अलाउ है और क्या क्या अलाउ नहीं है, तो इमरजेंसी इसको अलाउ कर रखा है हमने कि भाई कोई भी आपातकालीन सिचुएशन है तो उसके लिए जो है लॉकडाउन लागू नहीं है। इसके अलावा अन्य क्या परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि केयर नीड्स ऑफ पेशेंट्स विथ क्रॉनिक नॉन कोविड 19 कंडीशंस, कि केयर भाई उनके लिए क्या हमें सुरक्षा करनी चाहिए, किन लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, किन लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। नीड्स ऑफ पेशेंट्स, केयर नीड्स ऑफ पेशेंट्स, उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए हमें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है, उन लोगों की सुरक्षा की ज़रूरत है। भाई कई सारे ऐसे मरीज हैं ना, क्रॉनिक मतलब है जो लगातार जो चीज़ चलती है ना उसको बोलते हैं क्रॉनिक, लगातार। नॉन कोविड कंडीशंस, कि भाई कई ऐसे मरीज हैं जिनको कोविड बीमारी तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो लगातार चलने वाली बीमारियां होती हैं, तो उनकी हमें, उनका हमें ख्याल रखना होगा। एंड डेथ ऑफ किन, किन का मतलब है रिलेटिव, कि भाई किन लोगों की जो है एक तरीके से किसी सगे संबंधियों की अगर मौत हो रही है तो इस संबंध में भी हमें ध्यान रखना होगा। द एवरेज सिटीजन कैन वेदर ए लॉकडाउन,
ये जो वेदर शब्द आया ना यहाँ पे, इस वेदर का मतलब है यहाँ पे किसी चीज़ पर काबू पाना, निपटना, कि भाई जो सामान्य नागरिक है, एवरेज सिटीजन है, वह जो है कैन वेदर ए लॉकडाउन रीजनेबली, वह इस लॉकडाउन से आसानी से निपट सकता है, आसानी से जूझ सकता है। वेल है ना, कि भाई ये जो लॉकडाउन की जो चुनौती है हमारे सामने, इस चुनौती से हम निपट सकते हैं, एक एवरेज आदमी इस चुनौती से निपट सकता है, इफ़ कि यदि फूड, भोजन, दवाएं एंड अदर इसेंशियल, इनके अलावा अन्य जो जरूरी सामग्री हैं वह उपलब्ध हो, तो प्रत्येक व्यक्ति इस चुनौती से निपट सकता है। आगे देखते हैं, लॉन्गर शटडाउन्स विल क्रिएट अदर स्ट्रेसेस, कि लंबे समय तक शटडाउन का बने रहना, लंबे समय तक लॉकडाउन का बने रहना विल क्रिएट अदर स्ट्रेसेस, उसके द्वारा अन्य तनाव पैदा होंगे, है ना, अन्य मुश्किल हालात पैदा होंगे। सिंस क्यों, नो हाउस होल्ड मेंटेनेंस वर्क इज पॉसिबल, भाई अगर हम लंबे समय तक शटडाउन को बनाए रखते हैं तो इसके माध्यम से परिस्थितियां और बिगड़ेंगी ना, और भी ज़्यादा तनाव हमारे ऊपर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी घरेलू मेंटेनेंस वर्क है ना, कोई भी रख रखाव का कार्य है घरेलू का, वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। क्यों, एंड स्पेयर्स आर नॉट अवेलेबल, कि भाई जैसे मानो किसी घर में जो है लाइट या चल बिजली चली गई, किसी का नल खराब हो गया, कुछ इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली, तो इनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पुर्जे भी अवेलेबल नहीं है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, ये जो पुर्जे होते हैं मशीनों के, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये डिटेल कहना चाह रहा है कि परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। बट द क्राउडिंग चैलेंज ड्यूरिंग द लॉकडाउन इज पोज्ड मेनली बाय द यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, लेकिन ये डिटेल ये कहना चाह रहा है कि ये जो भीड़ बढ़ने की जो चुनौती है हमारे सामने, बट द क्राउडिंग चैलेंज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान भीड़ बढ़ने की चुनौती जो है वो मुख्यतः क्या है, इज पॉज्ड, पॉज्ड का मतलब है खड़े होना, ये चुनौती जो है मुख्यतः खड़ी हुई है बाय द यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल, कि क्या है कि लोग बाग अपने पर्सनल व्हीकल का जब यूज करने लगते हैं ना, तब जाके भीड़ ज़्यादा बढ़ने की चुनौती हमारे सामने खड़ी होती है। आगे देखते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग दिस इज फिजिबल, तो ये जो व्यक्तियों के द्वारा अपने पर्सनल वाहन का जो प्रयोग करना है इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर रोक लगा सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिंग, रेस्ट्रिक्ट का मतलब है प्रतिबंध लगा देना। रेस्ट्रिक्टिंग दिस इज फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। इफ़ गवर्नमेंट्स कैन ब्रिंग इसेंशियल आर्टिकल्स वर्चुअली टू वंस डोर स्टेप, वर्चुअली का मतलब एक तरीके से समझो आप ऑनलाइन तरीके से, है ना। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि लोग बाग भीड़ के रूप में इकट्ठे ना हो, यदि हम चाहते हैं लोग बाग अपने पर्सनल व्हीकल का प्रयोग ना करें, तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक है केवल तभी जब सरकार जो है क्या करे, कैन ब्रिंग इसेंशियल आर्टिकल्स, सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि भाई जो भी जरूरी सामग्री है उसको सरकार ऑनलाइन डिलीवरी उपलब्ध करा सके लोगों के दरवाजे पर, वंस डोर स्टेप, और मेक देम अवेलेबल विद इन वॉकिंग डिस्टेंस, या फिर सरकार ऐसी कोशिश करे कि भाई जो भी जरूरी सामग्री है वह लोग बाग जो है पैदल चलें और उनकी पहुंच में हो वह सामग्री, है ना, बिल्कुल लोगों की पहुंच में जो है सामग्री जो है लोगों को उपलब्ध कराई जा सके, तब जाके लोग बाग रुक सकते हैं भीड़ में इकट्ठे होने से या लोग बाग अपने व्हीकल का प्रयोग करने से। आगे देखते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि लोगों का एक दूसरे से दूर रहना, एंड ए नो मास्क नो सर्विस रूल शुड बी अप्लाई, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड ए नो मास्क नो सर्विस, सरकार को ये नियम जो है ना, ये जो नियम बनाया है कि अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा है तो आपको सर्विस नहीं मिलेगी, इस नियम को जो है लागू किया जाना चाहिए, रूल शुड अप्लाई। एन एक्सपेंडेड परमिट सिस्टम फॉर डिलीवरी एजेंट्स, एक्सपेंड का मतलब है और फैला देना और विस्तार कर देना किसी चीज़ का। एन एक्सपेंडेड परमिट सिस्टम फॉर डिलीवरी एजेंट्स नॉट जस्ट फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बट ऑथोराइज लोकल मर्चेंट्स कुड एड्रेस दिस, कि भाई एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ये जो समस्या है ना हमारे सामने कि लोग बाग भीड़ के रूप में निकल निकल के सामने आ रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं, अपने व्हीकल लेके निकल रहे हैं, तो इसका समाधान इस तरह से भी किया जा सकता है। किस तरह से, हमें क्या करना चाहिए, एक हमारा ये जो परमिट सिस्टम है कि भाई ये जो डिलीवरी एजेंट है ना जो कि सामान की डिलीवरी करते हैं ना, कि भाई जो ऑनलाइन सामान की डिलीवरी करते हैं, या फिर ये जो लोकल मर्चेंट्स हैं, क्षेत्रीय व्यापारी हैं, है ना, ऑथराइज्ड लोकल मर्चेंट है ना, क्षेत्रीय व्यापारी है ना, तो इनको जो है एक तरीके से क्या करनी चाहिए, इनको परमिशन दी जानी चाहिए कि भाई ये सामान की डिलीवरी कर सके, तब ये संभव हो सकता है, कुड एड्रेस दिस, है ना, तब जो है हमारी ये जो समस्या है ना क्राउडिंग की, इसका समाधान हो सकता है। सच एन अप्रोच वाज एनविसेज्ड, सच एन अप्रोच, इस तरह की अप्रोच, किस तरह की अप्रोच, भाई इस ये जो एनविसेज शब्द है ना, एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना, विचार करना,
कि भाई इस बात का विचार किया गया था, किस बात का विचार किया गया था कि भाई कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके माध्यम से क्या करे कि भाई कोई डिलीवरी एजेंट हो, वह लोगों तक जो है सामान की डिलीवरी कर दे, या फिर ये जो छोटी मोटी दुकानें हैं ना आस पड़ोस की जो लोकल मर्चेंट की दुकानें, ये जो है डिलीवरी कर दे सामान की। तो इस तरह की बात का विचार किया गया था, सच एन अप्रोच है ना, इस बात की अप्रोच का विचार किया गया था इन विशेज इवन इन द होम मिनिस्ट्रीज लॉकडाउन ऑर्डर लास्ट मंथ, कि भाई ये जो होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन का ऑर्डर जारी किया था ना पिछले महीने, तो उसमें भी इस बात को देखा गया था, इस बात का विचार किया गया था। एंड इट अज्यूम्स, अज्यूम्स मतलब है मान लेना, ग्रेटर सिग्निफिकेंस नाउ, और एंड इट अज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस नाउ, और ये जो बात का हमने विचार किया था कि भाई एक तरीके से डिलीवरी बॉय हो या डिलीवरी एजेंट हो जो कि सामानों की डिलीवरी कर दे, तो अब इसका महत्व तो और ज़्यादा बढ़ गया है। एंड इट अज्यूम्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस नाउ, अब इसका महत्व तो जो है अब और ज़्यादा बढ़ गया है। आगे देखते हैं कि क्रिएटिंग स्कैनेबल कोड्स, क्रिएटिंग मतलब निर्मित करना, स्कैनेबल कोड्स कैन हेल्प एसेंशियल सर्विसेज फंक्शन स्मूथली एंड इनेबल ईजियर पॉलिसिंग। पॉलिसिंग का मतलब है यहाँ पे निगरानी करना। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हमें क्या कर देना चाहिए, कोड बना देने चाहिए ना ऐसे कोड जिनको स्कैन किया जा सके कि भाई कौन से सामग्री हैं जो कि एसेंशियल में आती हैं, जो जरूरी में आती हैं, कौन सी सामग्री जरूरी में नहीं आती, तो जो भी जरूरी सामग्री है उनके लिए हमें कोड निर्मित कर देना चाहिए ना, कोड बना देना चाहिए, और ऐसे कोड होने चाहिए जिनको आसानी से जो है स्कैन किया जा सके। क्रिएटिंग स्कैनेबल कोड्स कैन हेल्प एसेंशियल सर्विस फंक्शन स्मूथली, ताकि ये जो एसेंशियल सेवाएँ हैं ये अच्छी तरह से चल सके, फंक्शन स्मूथली के मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से चल सके। एंड इनेबल ईजियर पॉलिसिंग, अब देखो अभी हमें ये भी पता नहीं चल पा रहा ठीक तरह से कि भाई कौन सी सामग्री है ये जरूरी है और कौन सी सामग्री जरूरी नहीं है, तो जब हम कोड बना देंगे हर सामग्री के लिए कि भाई हाँ भाई ये सामग्री जरूरी है, तो एक तरीके से उसकी निगरानी भी आसान होगी। इनेबल मतलब योग्य बना देना, एंड इनेबल ईजियर पॉलिसिंग कि हम उस सामग्री की एक तरीके से निगरानी भी ठीक तरह से कर सकेंगे। ए सिस्टम ऑफ कोड्स मे बी इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, अनिवार्य, कि भाई ए सिस्टम ऑफ कोड्स मे बी इनइविटेबल। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है कोड बनाए जाने चाहिए ना, जो भी सामान है उन सामानों के लिए कोड बनाए जाने वाले बनाए जाने चाहिए, बिल्कुल अनिवार्य है। वैन सेलेक्ट एक्टिविटी सच एज मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज परमिटेड इन फ्यूचर, कि भाई आगे आने वाले समय में जब हम कुछ क्षेत्रों में लोगों को जो है एक तरीके से परमिशन देंगे ना, सच एज मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कि भाई जो औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए काम करने वाले जो लोग हैं उनको जब हम भविष्य में काम करने की परमिशन देंगे, तब ये जरूरी होगा कि भाई कुछ अराजकता ना फैल जाए, तो उसके लिए जरूरी होगा कि हम क्या करें, कोड बना दें, मतलब कि कौन सा सामग्री जरूरी है कौन सी सामग्री जरूरी नहीं है। पीरियोडिक लॉकडाउंस मे ऑल्सो बिकम कॉमन वेन देर आर इन्फेक्शन स्पाइक, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी होना। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि अगर मानो हमें ये देखने को मिलता है ना कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में कि भाई इसके संक्रमण में अगर तेज़ी हमें देखने को मिलती है, तब फिर हम लॉकडाउन लगा सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। यानी कि पीरियोडिक का मतलब होता है एक निश्चित अंतराल पर जब हम चीज़ों को करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। तो पीरियोडिक लॉकडाउन्स मे ऑल्सो बिकम कॉमन, है ना, इस बात की भी संभावना बनती है कि ये जो नियमित लॉकडाउन हम पीरियोडिक लॉकडाउन लगाएंगे ये भी कॉमन हो सकता है। वैन देर आर इन्फेक्शन स्पाइक्स, कि भाई अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है लोगों में, तब फिर एक बार लॉकडाउन अलाउ कर दो, लगता है कि इन्फेक्शन में कमी आ रही है तो हटा दो, तो ये भी जो है कॉमन देखने को मिल सकता है हमें, पीरियोडिक लॉकडाउन है, नियमित अंतराल पर लगाया जाने वाला लॉकडाउन। द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स रिफाइंड टूल्स एंड ए कंसल्टेटिव प्रोसेस, कि भाई जो प्रशासन है उसको जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, रिफाइंड टूल, रिफाइंड का मतलब है बिल्कुल परिष्कृत, है ना, कुछ उपकरणों की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस, और जो प्रशासन है लगातार परामर्श करता रहे, कंसल्टेशन करता रहे, है ना, एक प्रक्रिया अपनाए जिसके माध्यम से परामर्श करता रहे विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों से, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से, विद ऑल सेक्टर्स, कि भाई जो सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ना हमारे आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए, जो भी सारे के सारे हमारे पास सेक्टर हैं, इन सेक्टर के लोगों से जो है प्रशासन परामर्श करता रहे, है ना। फॉर दिस न्यू नॉर्मल, फॉर दिस न्यू नॉर्मल का मतलब है कि भाई ये जो नई सामान्य परिस्थिति के लिए प्रशासन को इस बात की ज़रूरत है कि प्रशासन जो है लगातार परामर्श करता रहे और लगातार जो है हालात पर नज़र बनाए रखे।